तो नमस्कार भैया। नमस्कार जी, क्या बना रहे हो यहाँ पे? सर ये लखनपुर की आन बान और शान, तो लखनपुर के फेमस बल्ले हैं जी। उनकी दाल गोटी आ रही है। ये दाल कौन सी है? ये चने की दाल है जी। चने की दाल गोटी जा रही है जी। गोटा क्यों लगाया जाता है यहाँ पे इसको? ये बल्ले जो बनते हैं ना, इसी दाल के बनते हैं। किसी को पहले घोटने से जब ये सॉफ्ट हो जाएगी पूरी, उसके बाद इसके दाल वड़े निकाले जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या क्या डालते हो? इसमें सिर्फ पानी और नमक डाला जाता है। अच्छा, पानी और नमक डाल के इसको कितनी देर तक घोटा जाएगा? 10 से 15 मिनट तक। और जोर तो बड़ा लगता होगा इसको घोटने में जी। अब तो आदत होगी इस चीज़ की। क्या बात है। तो ये दाल यहाँ पे तैयार हो चुकी है, चने की दाल यहाँ पे बनाई जा रही है। तो इसको अभी ना परात में डाला जाएगा जी। बिल्कुल। तो अभी इसको परात में डाला जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे इनके वड़े बनाए जाएंगे। कितने किलो दाल बनती है एक बार में? इसमें आया थी कोई 2.5 किलो, 2.5 से 3 किलो। 2.5 से 3 किलो जी। तो यहाँ पे चने की दाल तैयार होके आ चुकी है। तो भैया अभी क्या क्या डाला जाएगा इसमें? इसमें अभी कड़ी पत्ता डाले हैं। तो ये आ गया जी, कड़ी पत्ता इसमें डाल दिया गया है जी। अभी मसाला डालेंगे इसमें। तो इससे कौन से लड्डू बनेंगे? इसमें प्लेन वाले बनेंगे। अभी प्लेन वाले जी। आगे मेथी, तो ये डाल दी गई है। कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी डाल दी गई है। जो जो ऐड करना था वो कर दिया है। तो अभी इसके बनेंगे जी वड़े। इस तेल में यहाँ पे ना वड़े बनाए जाते हैं। भैया कौन सा तेल यूज़ करते हैं? रिफाइंड रहता है, रिफाइंड ऑयल यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो भैया एक बार प्राइस बता दो, प्राइस क्या रखा हुआ है? एक प्लेट 20 रुपये की है, उसमें 6 पीस आएंगे प्लेन वाले। कितनी पुरानी आपकी शॉप है? ये 50 साल पुरानी दुकान है जो हमारी जी, जो हमारे दादाजी के टाइम से चलती आ रही है। उसके बाद हमारे पापा जी ने की, अभी हम कर रहे हैं। हम दो भाई काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये मेरे बड़े भैया हैं। तो भैया कितना टाइम लगता है इसको? 3 मिनट, 2 से 3 मिनट बस। ओके, अभी ये लड्डू बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे जी लड्डू हो चुके हैं जी तैयार। तो भैया अभी कौन से लड्डू बनने जा रहे हैं? अभी प्याज वाले लड्डू तैयार करेंगे जी। तो अभी ये प्याज वाले, ये आ गए प्याज बनने जा रहे हैं। ये हरी मिर्च, ये अदरक डालेंगे अभी। ये आ गए जी अदरक। अभी ये मसाले डालेंगे इस पे। और ये आ गए जी मसाले। अभी इसको मिक्स करेंगे हम। तो अभी इसको ना जल्दी से जल्दी मिक्स करके फिर इसको यहाँ पे बनाया जाएगा। और भैया इनका प्राइस थोड़ा अलग रहता है जी? 20 रुपये की प्लेट रहती है, 3 पीस होते हैं उसमें, और ये साइज में भी बड़े रहते हैं। अभी ये बनने जा रहे हैं प्याज वाले बड़े। तो इनको भी सेम ही 3-4 मिनट लगेंगे जी, लेकिन इसको डबल फ्राई करना पड़ेगा। फर्स्ट फ्राई में ये अच्छे से फ्राई नहीं होते, मतलब पहले हाफ डन करते हो फिर फुली तैयार करते हो जी। पहले हाफ डन, उसके बाद डबल फ्राई करके ही क्रंची होंगे। लो जी अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अभी ये फुली रेडी है जी? अभी ये हाफ डन है। जब जैसे कोई कस्टमर आएगा, जैसे वो जिसकी डिमांड होगी, वैसे हम उनको क्रंची करके देंगे। पल्ले बिल्कुल तैयार हैं। ये डाल रहे हैं इस पे मूली। ये आ गई इमली वाली चटनी खट्टी। ये आ गई मीठी गुड़ वाली चटनी। ये आ गई पुदीने वाली चटनी, दही पुदीने वाली। ये बिल्कुल तैयार है जी। और भैया एक बार अपनी टाइमिंग और एड्रेस बता दो यहाँ का। हमारी टाइमिंग 24 आवर है, दिन रात खुली रहती है। दिन रात खुली रहती जी, है जी। जब कभी भी आ सकते हो आप, जैसे जम्मू में इंटर होते हो आप जी, फर्स्ट स्टेशन हमारा ही आएगा लखनपुर। लखनपुर में जम्मू जाते हुए राइट साइड है, और जम्मू से बाहर निकलते हुए लेफ्ट साइड है। और लखनपुर में ना आपको बड़े बड़े बोर्ड यहाँ पे दिख जाएंगे तारा चाट हाउस के। तो यहाँ पे आके ना इनके सबसे ज़्यादा टेम्पटिंग लड्डू टेस्ट कर सकते हो। लड्डू भी बोलते हैं, पल्ले भी बोलते हैं। भाजी लखनपुर में दुकानें तो पल्लों की बहुत सारी हैं, अगर स्वाद खाना है, मजा लेना है, तो तारा चाट हाउस पे जरूर आना है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो जब भी यहाँ पे आ रहे हो ना, तो यहाँ पे मस्ट रिकमेंडेड प्लेस है, एक बार यहाँ पे जरूर ट्राई करके जाना।